हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेटीएम का पासवर्ड भूल गए हैं तो पता कैसे करें। हाँ गाइस, अगर आप भी अपने पेटीएम अकाउंट का पासवर्ड आपको याद नहीं है, आप उसको कैसे पता करेंगे, कैसे एक नया पासवर्ड बनाएंगे, कैसे चेंज करेंगे, आज मैं आपको 2023 में एक नया तरीका बताऊंगा पेटीएम पासवर्ड पता करने का और चेंज भी करने का। तो गाइस, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। चलिए मैं अपना पेटीएम एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर चलिए मैं लॉक डाला हूँ, चलिए मैं लॉक को खोल लेता हूँ। उसके बाद गाइस आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपना पेटीएम का पासवर्ड पता करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अगर आपका पेटीएम एप्लीकेशन लॉगिन है तो आपको करना क्या, आपको यहाँ पे पेटीएम ओपन करके प्रोफाइल वाले आइकन पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हेल्प सपोर्ट, आपको इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस फिर से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे 2-4 सेकंड 5 सेकंड वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्रोफाइल सेटिंग, आपको इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद आपके सामने यहाँ पर चैट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है चैट व्हाट यू यस, आपको इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद आपके सामने यहाँ पे चैट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको 2-4 सेकंड 5 सेकंड वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका गाइस करना क्या है, आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आई वांट टू चेंज माय करंट पासवर्ड, आपको इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद आपको यहाँ पे आपके आपके तरफ से चैट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद 2-4 सेकंड वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा रिसेट पासवर्ड, आपको करना क्या है, आपको इस पर दबा देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं, मैं इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेट पासवर्ड और यहाँ पे आपका नीचे मोबाइल नंबर शो कर जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपके पेटीएम में लिंक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा प्रोसेस का, आपको इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद आपके सामने यहाँ पे OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं अपना OTP डाल के उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपना OTP डाल चुका हूँ। चलिए मैं यहाँ पे कन्फर्म में नीचे लिखा हुआ है, आपको इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, तो गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंटर न्यू पेटीएम पासवर्ड, आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद जो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है उसके वो वही पासवर्ड सेम यहाँ पे नीचे डाल देना है, री इंटर न्यू पासवर्ड। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें अगर आप जो पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड जैसे ही बनाएंगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीचे वाले में आपको ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा। अगर आपके में ग्रीन कलर का टिक चारों में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पासवर्ड सही है। अगर आपके में किसी में यहाँ पे गलत सिग्नल आ रहा है, मतलब रेड कलर का टिक लगा हुआ है, तो आपका पासवर्ड गलत है। इसकी यह चीज़ आपको ध्यान देना। चलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे बना के मैं उसको आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको करना क्या है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे बना लिया हूँ और वही पासवर्ड यहाँ पे नीचे मैं डाल दिया हूँ। गाइस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे में यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक दिया हुआ है, देख सकते हैं ग्रीन कलर का यहाँ पे टिक आ रहा है। आपको भी अगर आपके में चारों में ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ है तो इसका मतलब है आपका पासवर्ड करेक्ट है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे नीचे कन्फर्म का एक ऑप्शन है, आपको इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद यहाँ पे थोड़ा लोडिंग करेगा। यहाँ पे देख सकते आ गया, योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुल चेंजेस। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ मेरे मैसेज भी आ चुका है, आपका जो पासवर्ड है यहाँ पे चेंज हो चुका है। सो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर दोस्तों कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।